हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। आज की शुरू में आप लोगों को बताने वाला हो कि अगर आपके फेसबुक अकाउंट में सिक्योरिटी चेक वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप लोग ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और आजकल फेसबुक पर ज्यादातर लोगों के पास ये मसला आ रहा है, लोग इसकी वजह से परेशान हो। तो आज की वीडियो पूरा देखो, बिल्कुल स्किप नहीं करो, आपका परेशानी खत्म हो जाएगा। तो सिक्योरिटी चेक वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा आज की वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोहल्ले सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन और फिर आल पर क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट अपने टॉपिक की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपना मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करो और फिर इसमें आप लोग वही आईडी लॉगिन करो जो आपके पास मसला आ रहा है। आप देख रहे कि मैंने एक आईडी लॉगिन करके रखा। आईडी लॉगिन करने के बाद फिर ऐसा इंटरफेस शो होगा और यहाँ पर सिक्योरिटी चेक लिखा है और ये मेरे एक दोस्त का अकाउंट है, उसका नेम भी आपको नजर आ रहा है। और उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आते हैं और यहाँ पर आपके पास नंबर शो होगा या ईमेल शो होगा। तो अभी इस अकाउंट में नंबर शो होगा और उसके नीचे सेंड लॉगिन कोड है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसे इंटरफेस आ रहे हैं और ऊपर आपको नजर आ रहा है एंटर द कोड वी सेंड बाय टेक्स्ट, मतलब इस नंबर पर 6 डिजिट कोड सेंड होगा, तो वो कोड यहाँ पर एंटर करो। तो चलो इस बंदे से मैं कोड लेता हूँ। तो इसके लिए जल्दी मैं मैसेंजर ओपन करता हूँ और आप देख रहे कि इस बंदे ने मेरे पास कोड सेंड कर दिया। तो चलो यहाँ से ही मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं वही पेज ओपन करता हूँ और फिर एंटर कोड की जगह ही मैं पेस्ट करता हूँ। आप देख रहे कि यहाँ पर मैंने कोड एंटर कर दिया, इस तरह आप भी कर लो। और उसके बाद नीचे नेक्स्ट रहती इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद ऐसे पेस आते हैं और आप देख सकते हैं एंटर एन ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर आप लोग अपना ईमेल एड्रेस एंटर करो। अगर आपके फेसबुक अकाउंट में पहले से ईमेल एड्रेस ऐड नहीं था तो फिर आप लोग एक न्यू प्रेस जीमेल क्रिएट करो और फिर यहाँ पर आप वो एंटर करो। तो चलिए यहाँ पर मैं पेस करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया और उसके बाद नीचे सेंड लॉगिन कोड है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद ऐसे एंटर पेस आते हैं और ऊपर आपको नजर आ रहा है एंटर कन्फर्मेशन कोड, मतलब मैंने जो ईमेल एड कर दिया उस पर एक कोड सेंड होगा। तो इसके लिए जल्दी मैं जीमेल एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास ईमेल रिसीव होगा। तो चलो मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद फिर ये पेज इस तरह मैं स्क्रॉल डाउन करो और आपको नजर आ रहा है कि जी हाँ, मेरे पास बिल्कुल कोड रिसीव होगा। तो चलो यहाँ से ही मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं वही पेज ओपन करता हूँ और फिर एंटर कोड की जगह ये कोड मैं पेस्ट करता हूँ। आप देख रहे कि यहाँ पर मैंने कोड एंटर कर दिया और उसके बाद नीचे नेक्स्ट रहती है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसे इंटरफेस आ रहा है और ऊपर आपको नजर आ रहा है अपलोड योर आईडी। तो नीचे यहाँ पर आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करो। डॉक्यूमेंट में से आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो या नेशनल आईडी कार्ड हो या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, लेकिन उसका जो नेम है और डेट ऑफ बर्थ है वो अकाउंट के साथ मैच करना भी जरूरी है। अभी मेरे दोस्त के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब कोई आईडी कार्ड नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर सकता। अगर आपके पास प्रूफ है तो ठीक है, बस मैंने आपको तरीका सिखा दिया। तो इस तरीके से आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।